गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सो गाइज, अभी फिलहाल सुबह के 11:30 बज रहे हैं और इस समय मौसम है कुछ ऐसा। तो गाइज, एक दो दिनों से पानी नहीं आया और सारी की सारी टंकी खाली हो गई है। तो जो ये बड़ी वाली टंकी है ना, इसमें पानी स्टोर रहता है। तो आजकल पानी नहीं आ रहा तो इससे मोटर चला के ऊपर लगाया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसी में लग गया आज मॉर्निंग से, बस मोटर ही चल रही थी। और अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइज, कल मैंने ये बनाया, सिर्फ ये वाला पार्ट बनाया क्योंकि ये तो टाइल है तो ये ऑलरेडी प्रिंटेड है। यहाँ पे पहाड़ में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो है डेली में ऐपड़ वाली टाइल्स लगाने का। तो हमने भी ये वाली टाइल्स लगाई हैं, लेकिन ये डेली ना बहुत पहले की बनी हुई हैं तो ये काफ़ी चौड़ी डेली है, तो इसलिए आधी तो टाइल आ गई लेकिन आधे में कुछ भी नहीं आया, तो उसमें हमने डेली बना लिया। मैं ये वाला डिज़ाइन भी बना रही थी लेकिन बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं करने दिया। और अभी बच्चे इतनी ही देर में नंदिनी जा रही है बाहर को। नंदिनी चलो अंदर, चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो गेट अप गेट अप। तो गाइज, ये बच्चे कर रहे थे बहुत ज्यादा परेशान और दादा दादी भी घर में है नहीं, वो लोग गए हैं गाँव और भाभी का चल रहा है ऊपर काम, तो इन्हें हम घुमा के लाते हैं क्योंकि ये ऐसे तो रहेंगे नहीं। तो आज सोना का छुट्टी है, सैटरडे है, तो चलते हैं हम इन्हें घुमाने लेके चलते हैं। नंदिनी चल रही हो, चले। इसने बाल खराब कर दिया। नंदा, नंदिनी, हेलो हेलो, नक्शु ये क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ नीचे उतरना है, आ जाओ। तो गाइज, आपको एक यूनिक सी चीज दिखा रही हूँ, मेरे लिए तो यूनिक है, तो आप देखिए। तो गाइज, आपने आज तक बॉक्स के अंदर ज्वेलरी वगैरह देखी होंगी, यहाँ इस बॉक्स के अंदर है साड़ी। देखो काफी अच्छा है ना कि साड़ी वगैरह सब इसके अंदर रखो और पैक करो और लेके चल दो। और साड़ी भी बहुत प्यारी है, देखिए ये बनारसी साड़ी है ना, नहीं बनारसी हुई ना, ये क्या रेंज है इसकी है? तो गाइज, ये मात्र 900 रुपए की है, तो इसमें मान के चलो कि 850 रुपए की साड़ी और 50 रुपए का डब्बा, तो काफी अच्छी साड़ी है। और इसमें कलर ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। अब गाइज, ऐसा है ना कि मौसी ऑनलाइन काम नहीं करती हैं अभी फिलहाल, तो भेज तो नहीं सकते, बट ये चीज मुझे कंसेप्ट काफी अच्छा लगा। आप मुझसे बात करोगे बेटू? तो गाइज, ये है पवन पहाड़ी भाई साहब के क्या भांजे। अरे सुन तो लो भाई, बात तो सुनो मेरी, बोल बेटा। अच्छा, केवल मामा से ही बात करते हो? देखो तो देखो, हाँ बच्चे ऐसे ही करते हैं, नहीं करता। इसे लेके जाओ, इसे आप मुझे दे दो, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। ये भैया को मैं अपने घर ले जाती हूँ और आप उनके घर चले जाओ, उनकी मम्मा के घर। हाँ ठीक है, आ जाओ आप मेरे बेटू। अब से सुनो, अच्छा अच्छा चल, फिर नहीं ले जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी। अच्छा सुनो तो, अच्छा अच्छा चलो, अच्छा सुनो सुनो, बहन को लेके जाओगे? बहनी को ले जाओगे फिर? अपनी बहन चाहिए उसे। वो है बहनी, वहाँ है। नहीं तो भैया, भैया को भाग लाओ, वो भाग रहा है, जाओ जाओ पकड़ के लाओ भैया को। बाय बाय। तो गाइज, मौसी की दुकान में जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ चीज पसंद आ जाती है, और इस बार पसंद आया है ये पिछौड़ा। तो ये सिंपल सी लेस वाला पिछौड़ा मुझे काफी पसंद आया और ये मैं लेके जाने वाली हूँ। और पता है इसका प्राइस क्या है?
400 रुपए मात्र मात्र कहेंगे या ज्यादा कहेंगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अब देखिए कस्टमर को तो ज्यादा ही लगता है कोई सी भी चीज हो, तो 400 रुपए हमारे लिए और जो बेचने वाला है उसे लगेगा तो सिर्फ 400 रुपए में। तो गाइज मौसी की दुकान से हम लोग आ गए थे और सोना चले गए थे गांव, उन्हें गांव में काम था, मम्मी लोगों ने बुला लिया था तो वो गांव चले गए थे और हम लोग थे मौसी की दुकान में। और उसके बाद आने के बाद वैसे अब सोना भी आ चुके हैं, मम्मी पापा लोग भी आ चुके हैं, तो बच्चे हैं उनके साथ और हम कर लेते हैं अपना बचा हुआ काम यानी वाला ये डेली बनवा लेते हैं आज। हाय वाह नंदिनी कौन है? मैं हूँ। ओ इनके हाथ बना वो वहीं आएंगे सोना कुछ भी कह लो। हाय ना सोना सोना मुंह पे हाथ लगा रहा है वो। नंदिनी काट देगा बेटा वो फिर उतरती हो उसे देखो। सोना मैं क्या करूं पिच्चू करूं ना करे। तो गाइस डेली बनने की शुरुआत तो हो गई है बट ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो गाइस इस डेली बनने की शुरुआत तो हो गई है क्योंकि मैं इसे पेंट और ब्रश से बना रही हूँ ना तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इस डेली को बनाएंगे अब कल रात में ही बनानी पड़ेगी क्योंकि दिन में तो बच्चे इसमें चल चल के इसे खराब कर देंगे। तो कल रात बनाएंगे इसे अब बाकी जो बचा हुआ है। और कल है अहोई अष्टमी तो जो भी लोग अहोई का व्रत रखते हैं उन लोगों को शुभकामनाएं। तो गाइस कल मेरा भी फास्ट रहेगा अहोई अष्टमी का, तो कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से फास्ट रखती हूँ और किस तरीके से पूजा होती है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।